माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पिछले दिनों आप लोगों ने मेरे वीडियो पर काफ़ी सारा प्यार दिया है, इन सब के लिए थैंक्स। तो आगे भी मैं ऐसे मज़ेदार वीडियो डालता रहूँगा। डेली बेसिस पे तो डालता हूँ, लेकिन किसी वजह से लेट हो जाती है तो मैं नेक्स्ट डे भी वीडियो डालता हूँ, इसके लिए सॉरी। ऐसे मैं कोशिश करता हूँ कि डेली डाल सकूँ, और शॉर्ट्स भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालते रहता हूँ, तो आप चाहे और जाकर जरूर देखें। तो आज का कुछ ऐसा सीन है कि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वो है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, और मुंगेर में मैं जमालपुर से हूँ। तो आज हम लोग सोचे हैं कि आज आपको पूरा जमालपुर का टूर करवाया जाए, तो वीडियो में आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे जमालपुर कैसा है, यहाँ का क्या है क्या नहीं है, और भी बहुत चीज़ है। तो ये सस्पेंस आपको, आप सबके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और बताएं कि वीडियो कैसी बनी और क्या होना चाहिए। ऐसे जमालपुर में घूमने के लिए तो काफ़ी सारा चीज़ है, लेकिन हम आपको कोशिश करेंगे कि पॉपुलर चीज़ दिखाएं। तो चलते हैं वीडियो में और दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं ये मेरी बुलेट है, और आज हम इसी पर चलेंगे, मैं है और मेरा एक फ्रेंड, तो दोनों निकलते हैं और आपको दिखाते हैं अपने जमालपुर का टूर। काफ़ी मज़ेदार होने वाला है गाइस, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको लेके चलेंगे अपने एरिया का सबसे बड़ा ग्राउंड है, इसे लोग मिनी स्टेडियम भी कहते हैं, क्योंकि अभी जो है सबसे ज़रूरी होता है अपने किसी भी एरिया में ग्राउंड है या नहीं। तो लोग, हम लोग के इधर ग्राउंड तो काफ़ी सारा है, लेकिन ये सबसे बड़ा ग्राउंड है। देख सकते हैं हम लोग लोकेशन पर आ चुके हैं गाइस, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए हम लोग सीधा लोकेशन पर आए हैं। तो देख सकते हैं अभी रेनोवेशन का काम चालू है, अंदर जाना अलाउ नहीं है, ये बस जनवरी फरवरी में ही अंदर अलाउ करते हैं, वो भी किसी फंक्शन के दौरान, ऐसे अलाउ नहीं करते हैं। इसकी लेंथ काफ़ी बड़ी थी तो वो अंदर जाना तो अलाउ नहीं है, कभी जाएंगे तो फिर दिखाएंगे। चलते हैं आपको नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, जो कि पूरे एशिया का सबसे फेमस है, वो है रेलवे वर्कशॉप, जो कि 8 फरवरी 1862 में स्टेबलाइज हुआ था। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा ही स्टेबलाइज किया गया है, आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला रेलवे वर्कशॉप है। तो इसकी बाउंड्री स्टार्ट होती है कुछ ही बस मिनटों पर, इसकी बाउंड्री स्टार्ट हो जाएगी, दिखाते हैं आपको। ये इधर कॉलोनी है, रेलवे कॉलोनी, और इधर का आपकी, आपको एक ख़ास बात बताते हैं, यहाँ का जितना भी कॉलोनी है सारा ब्रिटिश सरकार द्वारा इस्टेब्लाइज किया गया था जब वो आए थे। यहाँ का टोटल जितना भी आपको दिखाएंगे अपने एरिया का, वो सारा उसी के द्वारा इस्टेब्लाइज किया गया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से इसकी बाउंड्री स्टार्ट है, और बाउंड्री स्टार्ट होते ही एक मीटिंग हॉल रूम जैसा है, जो कि रेल के इंजन की तरह बनाया गया है। देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए एकदम ट्रू कॉपी जिसको कह सकते हैं आप लोग, डीजल इंजन की तरह, उसी की तरह एक मीटिंग हॉल बनाया गया है काफ़ी बड़ा सा, और यहाँ से इसकी बाउंड्री स्टार्ट होती है। तो रेलवे वर्कशॉप में भी जाना अलाउ तो है नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंतर की जानकारी दे सकें। और ऐसे तो नाम तो इसका काफ़ी है, दिखाते हैं आपको। ऐसे लगभग अंदर तो काम ही चलता रहता है, तो देखने लायक तो कुछ है नहीं, वही मशीन वगैरह होगा इंजन बनने का। तो दिखाते हैं आपको बाहर से, और भी काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव लगता है। देख सकते हैं यहाँ से गेट इसकी स्टार्ट है, और ये लगभग अप्रॉक्स 5 किलोमीटर लंबा होगा, और इसके अंदर लगभग चीज़ बनता है। तो देख सकते हैं गाइस, ये अंदर बाउंड्री वॉल में रखा हुआ है, भाप इंजन है, और भी बहुत बहुत चीज़ रखा हुआ है ये डेकोरेशन के तौर पे। देख सकते हैं वो डीजल इंजन भी रखा हुआ है गाइस, और ये है आपका, ये पता तो है नहीं लेकिन शायद इंडिया गेट है, तो वो रखा हुआ है। देख सकते हैं बाहर ट्रक व्रक लगा हुआ है, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है तो लोग यहाँ वर्कशॉप में आते हैं अपनी ड्यूटी। ये दूसरा गेट, और काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये है मेन गेट हो गया, ये वाला दिखाते हैं आपको, ये हो गया गाइस आपका मेन गेट। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इधर से ही लोग आना जाना करते हैं। तो यहाँ से बाउंड्री आगे भी है, लेकिन यहाँ से आप लोग टर्निंग लेंगे और आपको चलेंगे नेक्स्ट लोकेशन की तरफ लेके। देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे लोग वर्कशॉप के लिए जो आते हैं, वो खाने के लिए जो टिफिन नहीं लेके आया हुआ यहाँ खा सकते हैं। काफ़ी अच्छा कॉलोनी है यहाँ मेरे जमालपुर एरिया का। अब आपको लेकर चलते हैं आगे की तरफ, थर्ड लोकेशन है, जो कि ये भी काफ़ी बड़ा है,
ये इसके बारे में तो लोग कम ही जानते हैं। इसका नाम है CI, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये समझ लीजिए एक काफ़ी मतलब यहाँ के लोग के कॉलोनी के लिए मंदिर है अंदर, और भी जितने भी फंक्शन ऑर्गेनाइज होते हैं वो यहीं पर होते हैं। पार्टी फंक्शन वगैरह के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता इस कॉलोनी में, इसलिए ये बिल्डिंग बना गया कि किसी तरह का भी ऑर्गेनाइज हो फंक्शन पार्टी वगैरह तो वो आप अंदर कर सकते हो। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये प्रॉपर, ये मतलब कह सकते हैं कि ये मतलब पूरी तरह से सोच समझ कर एक बनाया गया कॉलोनी टाइप का, जिसके अंदर हर चीज़ आपको मिल सकता है। ये CI के अंदर आपको स्विमिंग पूल भी था जो कि अभी बंद हो गया है, देख सकते फ्रेंड्स, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। अब आपको लेकर चलते हैं आगे की तरफ। CI तो काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे और भी बहुत सारे बिल्डिंग हैं, लेकिन कोशिश करेंगे आपको पॉपुलर चीज़ दिखाने का जहाँ लोग अक्सर विज़िट किया करते हैं। तो चलते हैं हम लोग फोर्थ लोकेशन की तरफ, जो कि हमारे एरिया का चर्च है। और आपको बता दें क्या, हमारी एरिया में चर्च काफ़ी मिल जाएगा और काफ़ी मस्त लगता है देखने में इसका आर्किटेक्ट वगैरह। आप लोग खुद ही देखकर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लग रहा है। देख सकते ये फर्स्ट चर्च है, और भी बहुत सारे चर्च है लेकिन वो काफ़ी क्राउडेड एरिया में, हम लोग सबसे पॉपुलर चर्च को कवर करेंगे। देख सकते यहाँ का रेनोवेशन गार्डन काफ़ी मस्त रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, ये भी दूसरा चर्च है, ये अगले ही मोड़ पर है। यहाँ से टर्निंग लिए और अंदर की तरफ आते हैं। ये चर्च जो है इसमें एक स्कूल भी है, और ये स्कूल मतलब एक कह सकते हैं या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों के लिए, जो भी मतलब यहाँ पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दिखाते हैं इसका भी आर्किटेक्ट काफ़ी बढ़िया है, और ये है फंड्स के लिए होता है ये, मतलब बाहर से इसके लिए फ़ंड आते हैं और यहीं से मतलब इसकी टोटल कॉस्टिंग वगैरह होती है, इसलिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। देख सकते हैं आपको आगे से दिखाते हैं। यहाँ का कॉलोनी इतना इतना मस्त है गाइस कि आपको मतलब आएंगे तो घूमने के लिए काफ़ी मज़ा आएगा। देख सकते हैं ये सेकंड चर्च हुआ, जो कि काफ़ी मस्त लगता है। चलते हैं आपको नेक्स्ट लोकेशन की तरफ लेकर। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेन गेट हुआ और ये इसका अंदर ये स्कूल है जिसे लोग संत जोसेफ कहते हैं। तो चलते हैं आगे, हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। आपको एक बार और एक बात और बता देते हैं कि यहाँ पे आप जितना भी कॉलोनी क्वार्टर वगैरह देखिए काफ़ी अच्छा है देखने में आर्किटेक्ट, हर क्वार्टर का आर्किटेक्ट बढ़िया है। और साथ में क्या है कि हर ये क्वार्टर के साथ एक गार्डन दिया हुआ है आगे में, मतलब चारों तरफ, कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो बैठने उठने में। और अभी जो हम लोकेशन जा रहे हैं तो वहाँ वो लोकेशन इतना मस्त है कि आप शायद ही देखें, मतलब कह सकते हैं कि वहाँ का व्यू जो है काफ़ी मस्त लगता है, वहाँ से समझ लिए चारों तरफ दिखता है। तो चलते हैं आपको लेके, देख सकते हैं ये एक स्कूल है, और आप लेकर आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये फेमस स्कूल है और यहाँ का लोकेशन भी बढ़िया है इस स्कूल का। देख सकते हैं आगे नेचर, आके आपको चारों तरफ माउंटेन ही माउंटेन दिखेगा। मेरी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, ये जगह है इसे लोग फिल्टर कहते हैं, और इसे इसका एक प्रॉपर नेम है वाटर फिल्टर वर्कशॉप ऐसे करके कुछ है, क्योंकि यहाँ से जितना भी आप वाटर देख रहे हैं अप्रॉक्स 10 किलोमीटर में एक वाटर फैला हुआ है, तो वहाँ का जितना भी वाटर सप्लाई होता है वो यहीं से होता है। और ये सब ये हाइट पर भी है, इधर की साइड ये लेफ्ट साइड काफ़ी नहर है जहाँ इसमें पानी रहता है, बरसात का पानी कह सकते हैं, और उसको ये फिल्टर करके पूरे क्वार्टर में सप्लाई करते हैं। तो दिखाते हैं आपको, ये थोड़ा हाइट पे है और इसका जो रास्ता है काफ़ी अमेजिंग है गाइस, देख सकते हैं। यहाँ हम रात में भी आ चुके हैं, लेकिन रात का हम कोशिश किए थे आपको दिखाने का, लेकिन यहाँ लाइट वगैरह नहीं लगी हुई तो कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए हम सोचे कि आपको दिन में ही दिखाया जाए। देख सकते हैं फ्रेंड्स, नीचे की तरफ जंगल है और ऊपर माउंटेन है, तो हम लोग इसी रास्ते से ऊपर जाएंगे। चलते हैं आपको ऊपर की तरफ लेके, ये देखिए हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। इधर के साइड जो आपको बता रहे राइट साइड, ये टाइगर हिल कहते हैं इसे, और इधर वाटरफॉल भी होता है, ये मैंने भी आपको पिछले वीडियो में बताया था। देख सकते हैं यहाँ रिनोवेशन का काम चालू है, रोड बनेगी, ताकि क्योंकि रोड काफ़ी ख़राब हो गई है,
तो चलते हैं आपको ऊपर की तरफ लेके। एक बात और गाइस, ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो भी नए लोग हैं अगर वो कभी भी जमालपुर विज़िट करें तो आप पॉपुलर जगह देख सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ कुछ लोग घूमने भी आए हैं। तो इसलिए आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आए तो पॉपुलर जगह है, आराम से घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग पहुँचने वाले हैं यहाँ लगभग, अप्रोक्स कह सकते हैं आपको, आप लोग सालों भर यहाँ लोग घूमने आते हैं 365 दिन, देख सकते। और इसमें जाना अलाउ तो नहीं है क्योंकि किसी तरह बहुत तरह का बात हो जाता है। तो हम फिर भी कोशिश करेंगे आपको लगभग चीज़ दिखाने का। तो बाइक हम अपना पार्किंग में लगा चुके हैं और लेकर चलते हैं आपको अंदर। ये अंदर तो नहीं कह सकते, एक तरह का अंडर भी बाउंड्री है ये, बस ऐसे जो लोग घूमने आए तो वो बाहर से ही देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर जाना अलाउ नहीं है। देख सकते हैं वो जो बाउंड्री दिख रहा है उसके अंदर वाटर को ये लोग जमा करते हैं, वहाँ से फिल्टर करके पूरे क्वार्टर में सप्लाई करते हैं। चलते हैं आपको आगे की तरफ लेके। देख सकते हैं इधर का व्यू दिखाते हैं आपको, पहले अंदर आपको दिखा दे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है अंदर का व्यू। और आप एक बात कमेंट करके जरूर बताएं कि यहाँ का आर्किटेक्ट कैसा है, क्योंकि मुझे तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि यहाँ का जो आर्किटेक्ट है, जो ब्रिटिश द्वारा जो बनाया गया था, काफ़ी सोच समझ कर बनाया गया था। और आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये लिखा हुआ है सुरक्षित क्षेत्र, प्रवेश निषेध, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। देख सकते इधर का व्यू, हम लोग कितना हाइट पर है, उधर की साइड माउंटेन और ये पानी है, यही पानी को लेकर वो सप्लाई करते हैं। जूम करके मैंने दिखाया आपको, ये देखिए। अब चलेंगे हम लोग नीचे की तरफ क्योंकि यहाँ ज़्यादा रुकना ये लोग मना करने लगते हैं, इसलिए अब आपको नीचे की तरफ लेकर चलेंगे जहाँ जहाँ से ये पानी निकालते हैं, ऊपर की तरफ लेकर आते हैं। तो चलते हैं आपको लेकर नीचे की तरफ। रास्ता तो है नहीं, नहीं शायद रास्ता है, काफ़ी पहले मैं आया था, आते रहता हूँ लेकिन मतलब ऐसे रास्ता तो याद नहीं है, क्योंकि अभी उधर की साइड मैंने जब आ रहा था मैं देखा कि मिट्टी विट्टी गिरा दिया गया है, क्योंकि बरसात के मौसम में मिट्टी थोड़ा नीचे की तरफ साइड चला जाता है। देख सकते हैं आप लोग, हाल ही में मिट्टी गिराया गया है। ये सीढ़ी है और इधर से हम लोग जाएंगे नीचे की तरफ। ये थोड़ा डेंजर है, आपको चलते आगे की तरफ दिखाएंगे क्या डेंजर है। देख सकते हैं सीढ़ी भी काफ़ी पुराना हो गया, इसीलिए लोग इधर तो कम ही मतलब नहीं ही जाते हैं। बस हम आपको दिखाने के लिए नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये देख सकते हैं। चलते हैं हम लोग नीचे की तरफ, काफ़ी लंबा सीढ़ी है क्योंकि हम लोग काफ़ी हाइट पर है। बस हम लोग पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर एक शायद पुल भी है जो कि टूट गया है शायद, मुझे याद तो है नहीं सही से, क्योंकि काफ़ी पुराना है और टूट भी गया था क्योंकि मैं बहुत पहले आया था तो शायद टूटा हुआ था। देखते हैं अभी, या फिर रेनोवेशन हुआ या फिर नहीं, फिर या फिर ऐसे ही है। तो चलते हैं नीचे की तरफ, हम लोग पहुँच चुके हैं गाइस। देख सकते हैं एक रूम है और यहीं से शायद मोटर पानी सप्लाई होता है। देख सकते हैं लॉक है, ताला, मोटर लगा हुआ है। हाँ गाइस देख सकते हैं पाइप कितना मोटा मोटा है और यह कितना बड़ा मोटर है, ये मोटर शायद अभी ना ही मिले। ये देखिए गाइस, पुल टूटा हुआ है, मैं जैसा कि मैं सही था, मुझे याद है पहले भी। और इसको रिनोवेशन इसलिए लोग नहीं कराते क्योंकि लोग आगे जाके बहुत तरह का बात होता है, आगे जाके बहुत लोग फोटोशूट करवाते हैं और किसी तरह का एक्सीडेंट ना हो इसलिए लोग इसे ऐसे ही छोड़ दिए क्योंकि आगे ना जाए। हम लोग भी ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, बस आपको यहीं से दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से कितना मस्त लगता है, आप लोग देख सकते हैं पूरा पानी ही पानी है। चलेंगे आपको पीछे की साइड लेकर क्योंकि ज़्यादा रहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये ढलाई टूटी हुई है। तो चलते हैं अब आपको ऊपर की तरफ लेकर। काफ़ी जगह तो काफ़ी मस्त है, चलेंगे अब हम लोग ऊपर की तरफ। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे नेचर, एक बात और मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर जो है पोल्यूशन कम ही है और नेचर का बहुत ज़्यादा देखने मिल जाएगा।
और ये एक तरह से प्लस पॉइंट है हमारे जमालपुर के लिए कि पोल्यूशन कम होगा इसके कारण, क्योंकि यहाँ पेड़ वेड़ काफ़ी लगे हुए हैं, देख सकते हैं। हम लोग सीढ़ी से ऊपर की ओर जाएंगे और फिर चलेंगे आपको नेक्स्ट लोकेशन। और मैं ये बता दूं कि ये जो लोकेशन है जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे फिल्टर वाटर, ये पूरे जमालपुर का सबसे अच्छा एरिया मुझे यही लगता है, इसलिए यहाँ लोग कभी कभी घूमने भी आते हैं, मैं भी कभी कभार आता रहता हूँ। अब चलेंगे हम लोग नीचे की तरफ, हम लोग निकल चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे आपको जो लेकर इस जिस लोकेशन पर अभी हम जा रहे हैं उसकी वीडियो मैंने पहले अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप जाएं और विज़िट करके ज़रूर देखें। काफ़ी मेहनत किया था मैंने उस वीडियो के लिए, ड्रैगन चैलेंज किया था और अपने बुलेट पर भी उसके लिए ड्रैगन चैलेंज भी किया गया था जो कि काफ़ी पॉपुलर भी हुआ है। तो आप विज़िट करें और ज़रूर देखें और बताएं मुझे क्या ये राइट था या फिर नहीं। देख सकते हैं हम लोग नीचे की साइड जा रहे हैं, ये इधर से राइट लेना होगा, फिर राइट लेकर हम लोग चलेंगे, उसे लोग नहर बोलते हैं। ये तो पानी यहाँ है ही, वहाँ अलग से पानी, इधर काफ़ी एरिया मतलब जमालपुर एरिया में पानी की मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए यहाँ पानी हमेशा रहता है। जिधर अभी जा रहे हैं वहाँ है माउंटेन और नीचे की साइड पहाड़, और माउंटेन के ऊपर एक मंदिर है माँ काली का, तो उधर की साइड चलेंगे, देख सकते हैं। इधर का रास्ता थोड़ा लंबा है गाइस, वो थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी देखने में व्यू तो काफ़ी मस्त लगा। और आप लोग कमेंट ये भी करें कि और नेक्स्ट लोकेशन जमालपुर का क्या हो। ऐसे तो जमालपुर घूमने लायक बहुत है, लेकिन हम आपको ऐसा ऐसा जगह दिखा रहे हैं जो पॉपुलर है और यहाँ वेकेशन पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी लगती है लोगों की, लोग अक्सर आते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अकेले भी आप आ सकते हैं, लेकिन मतलब थोड़ा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, देख सकते हैं ठंड का मौसम है तो फॉग जमा हुआ है काफ़ी, तो दूर का शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, देख सकते हैं हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। से होती है एंट्री और हम लोग चलेंगे अंदर की तरफ। यहाँ समझ लीजिए हमेशा मतलब 24 घंटे कोई ना कोई आते रहता है घूमने के लिए, और अभी ठंड का मौसम है तो मौसम का कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है, तो हमेशा लोग आते रहते हैं, देख सकते हो वहाँ लोग आए हुए हैं। और भी अंदर की साइड चलेंगे दिखाते हैं आपको, वहाँ भी लोग आए हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये है देख सकते हैं यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है नहर का, इधर का व्यू काफ़ी अट्रैक्टिव है। और माउंटेन पे तो कभी चढ़े हैं, मैंने पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, माउंटेन के व्यू और भी मस्त दिखता है, देख सकते हैं फ्रेंड्स काफ़ी लोग आए हुए घूमने के। हम लोग अपना उधर की साइड चलेंगे और आपको वहाँ से व्यू दिखाते हैं चारों तरफ, क्योंकि पीछे से काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है। ये है गोल्फ खेलने के लिए, ये ब्रिटिश का जो था वो इधर गोल्फ, लोग गोल्फ भी काफ़ी खेलते थे, तो माउंटेन के जो साइड वाला पार्क है वो टोटल गोल्फ ग्राउंड में ही आता है, वहाँ काफ़ी सारा गोल्फ का पार्क बना हुआ है। तो चलेंगे हम आगे की तरफ लेकर और दिखाते हैं आपको, ये हो गया सीढ़ी और ये हो गया पानी। अभी तो यहाँ का पानी काफ़ी सूख गया है क्योंकि इस बार रेन हुई नहीं सही से, बरसात का मौसम में थोड़ा पानी का थोड़ा इशू हो गया था, तो इस बार थोड़ा काफ़ी सूख गया है पानी। वैसे इसमें कमल फूल भी आपको देखने मिल जाएगा, देख सकते हो फ्रेंड्स कितना सूख गया है पानी। अब आपको दिखाते हैं इधर का व्यू, ये देखिए हाय गाइस, फिलहाल तो अभी घर आ चुके हैं,
तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक तो आप लोग देख ही लिए होंगे, तो वीडियो में कमेंट जरूर करें और कौन सा प्लेस आपको बढ़िया लगा वो कमेंट करके बताएं। बाकी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स।